Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and also completed this unit 6, first poem, Mr. Nobody. Okay, so in today's class, we will start the new story or new chapter, Curly Locks and the Three Bears. Okay, name of the chapter is Curly Locks and the Three Bears. Okay, so but before starting this story, let's know something about the COVID-19 awareness. अभी आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, आपको एक स्लाइड दिखाई गई है जिसमें आपको कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे आप COVID-19 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं. रिड्यूस योर रिस्क ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन. फॉर दैट यू हैव टू क्लीन योर हैंड्स ऑफन. आपको बहुत जल्दी जल्दी अपने हैंड्स को क्लीन करना है, साफ करना है. आप वॉश कर सकते हैं, आप सैनिटाइजर यूज करके उनको सैनिटाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कफ और स्नीज इन यूअर बेंट एल्बो. एज यू सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, वन गर्ल इज देयर, वो अपनी एल्बो को ऐसे थोड़ा बेंट करके वहां पर कफ या स्नीज कर रही है. ओके, सो आपको अपने हैंड्स को सामने ना करके आपको अपने बेंट एल्बो में ही स्नीज या फिर कफिंग करनी है. अवॉइड टचिंग यूअर आईज, नोज एंड माउथ. ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं कर टच करेंगे, लेकिन जितना भी हो सकता है आपको बहुत कम से कम अपने आईज, नोज और माउथ को टच करना है. अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज सिक. जो बीमार है, जो लोग ऑलरेडी बीमार है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से बचना है. एंड लास्ट इज क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड ऑब्जेक्ट एंड सर्फेसेस. जिन भी सरफेस पे या जिन भी चीजों को हम बार बार टच कर रहे हैं उनको क्लीन करना है या फिर हमें डिसइंफेक्ट करना है. ठीक है, सो आप अगर ये सब फॉलो करेंगे तो हम COVID-19 के इन्फेक्शन से बच सकते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल विल फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस विच वी डिस्कस्ड जस्ट राइट नाउ. ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर कर्ली लॉक्स एंड द थ्री पियर्स. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 96. ओके, 96 पेज पे ये दिया हुआ है. सो बिफोर रीडिंग दिस स्टोरी लाइन बाय लाइन, लेट्स फर्स्ट सी सम पिक्चर्स. ओके, अभी हम इसको एक बार पिक्चर स्टोरी की तरह देखते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल रीड लाइन बाय लाइन. ओके, इन दिस फर्स्ट स्लाइड यू कैन सी थ्री बियर्स आर देयर. है ना, आप थ्री बियर्स हैं, एक घर दिख रहा है, तो ये अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हैं. ओके, थ्री बियर्स गोइंग आउट. तो हमें दिखा यहां पर कि थ्री बियर्स हैं और वो कहीं पर बाहर जा रहे हैं. और ये तीन बियर कौन कौन है? फर्स्ट वन इज पापा बियर, मामा बियर एंड किड बियर. ठीक है, पापा, मम्मी और एक बच्चा है. तीन बियर की एक फैमिली या बियर फैमिली ये बाहर जा रही हैं कहीं पर. आफ्टर दैट क्या होता है, जब वो बाहर जाते हैं, गर्ल एंटर्ड, एक लड़की आ जाती है वहां पर. है ना, आपको एक दिख रहा है गर्ल आ गई है. अब वो क्या कर रही है यहाँ पर, उसमें पापा मामा और बेबी ऐसे करके एक खाना कुछ रखा है किसी बर्तन में. शी टेस्टेड, वो उसको टेस्ट कर रही है उस खाने को. उसके बाद वो देखती है थ्री डिफरेंट साइज बेड्स. उस घर में थ्री अलग अलग साइज के बेड हैं, है ना, क्योंकि पापा बियर हैं, वो थोड़े से मोटे हैं, फिर मम्मा बियर है, फिर बच्चा है छोटा है, तो सबके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बेड हैं. ओके, सो अब उस लड़की को इन बेड को देखकर, खाना भी उसने खा लिया है, तो नींद आ जाती है, तो वो एक बेड पर जाकर सो जाती है. ठीक है, और इतने में ही जो पापा मामा और किड बियर है वो वापस आ जाते हैं. वो देखते हैं एकदम से, जब गेट उनको खुला दिखता है, वो अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि उनका खाना तो किसी ने खा लिया है. ओके, सो एंड आफ्टर दैट जब वो अंदर जाते हैं, दे फाउंड दैट कि समवन इज स्लीपिंग. है ना, एक बेड पे कोई सो रहा है, तो वो देखते हैं कि हु इज स्लीपिंग, ये कौन सो रहा है. तो सब बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि हमारे घर में ये कौन आकर सो गया है. ठीक है, तो फिर इस लड़की के साथ क्या होता है ये हमें स्टोरी में पता चलेगा. ओके, कि जब वो बियर फैमिली है वो उस गर्ल को देख लेती है, तब क्या होता है. ओके, सो व्हाट विल हैपन वी विल सी इन द स्टोरी. सो आपको पेज नंबर 96 में देखिए एंड यू कैन सी द स्क्रीन्स आल्सो.
Now I am reading this story. Once there was a girl with curly hairs. Okay, curly locks का मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चों के बाल बहुत घुंघराले होते हैं, ठीक है, ऐसे घूमे घूमे होते हैं, सीधे नहीं होते हैं, तो उनको हम curly hairs बोलते हैं, ठीक है. So once there was a girl with curly hair. तो एक बार एक लड़की होती है जिसके कैसे हैं, घुंघराले बाल हैं, curly hair हैं. Her name was curly locks. ओके, उसके बाल घुंघराले हैं इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया है, curly locks. One day, एक दिन, she went into the forest near her house. उसके घर के पास जो एक forest है, एक जंगल है, वो वहाँ पर चली जाती है. Okay, एक दिन, one day, she went into the forest near her house. उसके घर के पास जो एक forest है, वो वहाँ पर चली जाती है. She saw a cottage. ठीक है, वो वहाँ पे एक cottage देखती है. Cottage का मतलब है एक झोपड़ी या एक हट. ठीक है, सो शी सो ए कॉटेज, उसको एकदम एक कॉटेज दिखाई देती है, एक हट जो है वो दिखाई देती है. ओके, सो वंस देयर वाज ए गर्ल विद कर्ली हेयर. सो दिस स्टोरी इज अबाउट ए गर्ल हु हैज कर्ली हेयर, हर नेम वाज कर्ली लॉक्स. ओके, सो वन डे शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस, जो उसके घर के पास एक फॉरेस्ट है वो वहां पर चली जाती है. देयर वो क्या देखती है, सी सॉ ए कॉटेज, उसको एक कॉटेज दिखाई देती है. ओके, आगे देखते हैं. इज एनीबॉडी इन, वो वहां पे अंदर जब आती है गेट पर, वो पूछती है इज एनीबॉडी इन, क्या कोई अंदर है, शी आस्क्ड, वो पूछती है. ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, सो इट मींस शी इज आस्किंग द क्वेश्चन कि इज एनीबॉडी इन, क्या कोई अंदर है. देयर वॉज नोबडी, है ना, इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि वो एकदम से पहले तो नहीं घुसती है अंदर, वो क्या पहले पूछती है कि क्या कोई अंदर है, तो उसको कोई आवाज नहीं आती है, इसलिए वो क्या सोचती है, देयर वॉज नोबडी, कि कोई नहीं है, है ना. अभी हमने जस्ट पहले जो पोएम पढ़ी उसमें भी नोबडी वर्ड देखा था कि कोई नहीं है, जो कोई नहीं है उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया था नोबडी. तो जैसे ही उसको आवाज नहीं आती है, सो यहां पर भी इसलिए ही नो वर्ड यूज किया है कि कोई भी नहीं, वहां पर कोई भी नहीं था. देयर वॉज नोबडी, वहां पर कोई भी नहीं था. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, उस कॉटेज में, उस हट में, उस झोपड़ी में कौन रहता था, बियर फैमिली रहती थी. They had gone for a walk. वो कहां पर गए थे, walk पर. They means कौन, bear family, जो bear family members हैं, वो कहां गए थे, had gone for a walk, वो walk के लिए चले गए थे. Okay, so when the girl entered in the house, she found that nobody was there. कोई भी वहां पर नहीं है. And this cottage is of family bear family. वो किसकी cottage थी, bear family की थी. And the bear family had gone for a walk. वो walk के लिए चले गए थे. Okay, so I think the story is clear up to here, that one girl is living in near the forest. One day she went to the forest which is near by her house. So there he saw a cottage and this cottage is of bear family. Okay, so first she asked ki is anybody in, ki kya koi andar hai, but jab usko koi awaaz nahi aati hai, so wo sochti hai there was nobody, koi bhi nahi hai. Okay, and the bear family had gone for a walk. वो walk के लिए चली गई है. अभी आगे देखते हैं. Curly locks went in. अब जो curly locks है, जो लड़की है, went in. वो अंदर चली गई. अंदर आ जाती है घर में. She wanted to see who lived there. वो देखना चाहती है कि यहाँ पर कौन रहता है. She saw, वो देखती है वहाँ पर three bowls of porridge on the table. टेबल है, टेबल के ऊपर थ्री बाउल्स रखे हुए हैं. ठीक है, पॉरेज का मतलब होता है एक दलिया. ठीक है, खाने की कोई चीज है, जैसे यहां पर देखते हैं, देख रहे होंगे आप, थ्री बाउल्स रखे हुए हैं. ठीक है, वो उनको देखती है और उसमें कुछ खाना रखा हुआ है. ओके, देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. अब पापा बड़े हैं उनमें, आप देख रहे होंगे कि साइज में, है ना, यहां पर भी देखिए दिखाया हुआ है कि जो पापा बियर है वो थोड़े से मोटे हैं, फिर मम्मी बियर है, एंड देन फिर जो बच्चा है, किड बियर है, वो बिल्कुल छोटा है. तो सबके साइज के अकॉर्डिंग ही बाउल है. सो देयर वाज अ, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या था, देयर वाज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. पापा बियर के लिए बड़ा बाउल था. ए मिडिल साइज बाउल फॉर मामा बियर,
एक मिडल साइज का, ना तो बहुत ज्यादा छोटा ना बहुत ज्यादा बड़ा, एक मिडल साइज का बाउल मम्मा बियर के लिए था एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर, और एक बिल्कुल छोटा सा बाउल था बेबी बियर के लिए जो बेबी बियर था. ओके सो जब वो अंदर आती है शी सॉ थ्री बाउल्स ऑफ पॉरेज फॉर ऑफ डिफरेंट साइजेस फॉर पापा बियर मम्मा बियर एंड अ बेबी बियर. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री, वो भूखी थी. ठीक है, हंग्री मीन्स भूखा. शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल. वो क्या करती है, एट मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट, है ना, ईट, ईट का सेकेंड फॉर्म है एट. सो शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बाउल, वो बड़े बाउल में से पॉरेज खा लेती है, थोड़ा सा जो वो खाना है दलिया है उसको खा लेती है. इट वॉज वेरी हॉट, वो क्या है, वो बहुत गर्म है. ठीक है, अब उसको गर्म लग रहा है तो वो दूसरे वाले से खाएगी. देखते हैं, शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. अब नाउ वो किससे खाती है, जो मिडल साइज बाउल है उसमें से खा के देखती है. इट वॉज टू कोल्ड, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ठंडा है. कोल्ड मीन्स ठंडा. शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. अब वो क्या, अब उसको पापा बियर का बहुत ज्यादा गर्म लगता है, जो मिडल साइज बाउल है उसका खाना उसको बहुत ठंडा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है. सो शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल, वो छोटे जो बिल्कुल बाउल है उसमें से खाती है. इट वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल सही है, ना बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज्यादा ठंडा है. इट वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल ठीक था. ओके तो वो कहां से खाती है, शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बाउल. कर्ली लॉक्स, अभी पेज नंबर 97 पर देखिए, कर्ली लॉक्स एट अप द पॉरेज. अब वो सारा जो पॉरेज है उसको खा लेती है. शी वेंट टू द बेडरूम, अब देन शी वेंट टू द बेडरूम. अब वो खाना खाने के बाद कहां पर चली गई, बेडरूम में. देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड टाइनी लिटिल बेड फॉर द बेबी बियर. सिमिलरली जैसे जो बाउल्स थे ऑफ डिफरेंट साइजेस, उसको वहां पे बेडरूम में भी शी फाउंड द डिफरेंट साइजेस बेड्स ऑल्सो. ओके सो बिग बेड किसके लिए था, पापा बियर के लिए. मिडल साइज बेड फॉर मामा बियर एंड ए टाइनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. ओके सो व्हेन शी एंटर्ड द बेडरूम शी फाउंड डिफरेंट साइजेस बेड्स फॉर द डिफरेंट बियर. ओके सो द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड, जो बिग बेड था वो बहुत ही क्या था, हार्ड था, सख्त था. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था. ओके सो जो बड़े साइज का बेड था इट वॉज टू हार्ड, वो बहुत ही सख्त था. द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट था, कोमल था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट, लेकिन जैसे उसको वो छोटे बाउल वाला खाना भी बिल्कुल ठीक लगता है, ऐसे ही उसको जो टाइनी लिटिल बेड है, जो बिल्कुल छोटा बेड है, वो वॉज जस्ट राइट, वो बिल्कुल सही लगता है, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. इट वॉज जस्ट राइट, बेड बिल्कुल ठीक था. कर्ली लॉक्स फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड. अब वो देखती है कि तीनों बेड में से जो टाइनी लिटिल बेड है इट वॉज जस्ट राइट, सो शी फेल अस्लीप, वो सो जाती है इन द टाइनी लिटिल बेड. ठीक है, सब जो छोटे बेड पर वो सो जाती है. द बियर फैमिली केम बैक, अब वो तो वॉक पर गए थे, नाउ अभी टाइम हो गया है, जो बियर फैमिली है केम बैक, वो वापस आती है. समबडी एट माई पॉरेज, अब वो आकर ठीक है अपने घर में एंट्री कर गए हैं, वो देखेंगे कि समबडी एट माई पॉरेज, कि हमारा खाना किसी ने खा लिया था, खा लिया है. शाउटेड पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस, ठीक है, ग्रफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही रूखी सी आवाज में, गुस्से में, जैसे आप अपना खाना रख कर गए हैं, आपने अपने लिए कुछ चीज रखी है और कोई और उसको खा जाए, तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत ही रूखी सी आवाज में वो क्या कहते हैं, समवन एट माई पॉरेज, किसी ने मेरा पॉरेज, मेरा खाना खा लिया है. ओके सो आगे देखते हैं. समबडी एट माई पॉरेज टू, सैड मामा बियर. मामा बियर भी देखकर अपने खाने को बोलती है कि समबडी एट माई पॉरेज टू, मेरा भी किसी ने खा लिया है, मेरा भी खाना किसी ने खा लिया है. नेक्स्ट, समबडी फिनिश्ड ऑल माई पॉरेज,
said baby bear in his tiny little voice. अब वो छोटा baby bear है, so वो क्या बोलता है कि somebody finished all my porridge. मेरा तो किसी ने पूरा ही खा लिया है, पूरा ही finish कर दिया है. The bear family went to the bedroom. अब वो देखते हैं खाना तो नहीं है, तो वो अंदर जाकर देखते हैं कि क्या कोई अंदर है. So they went to the bedroom. वो bedroom में जाते हैं. वहां पर वो क्या देखते हैं, वहां तो कर्ली लॉक सो रही थी. So somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब वो दोबारा से बहुत रूखी सी आवाज में, भारी सी आवाज में क्या बोलते हैं, somebody slept in my bed, मेरे बेड पर कोई सो गया था, सो गया है. फिर somebody slept in my bed too, मेरे बेड पर भी कोई सो गया है, said Mama Bear. है ना, जैसे वो खाने को देखते हैं कि मेरा खाना भी किसी ने खा लिया है, मामा बियर बोलती है कि मेरा भी खाना किसी ने खा लिया है. सो सिमिलरली मामा बियर हेयर आल्सो सेड दैट समबडी स्लेप्ट इन माय बेड टू, मेरे भी बेड में कोई सो गया है. ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है. समबडी इज स्लीपिंग इन माय बेड. अब वो तो बोल रहे हैं कि मेरे बेड पर कोई सोया था. वो उनको देखकर ऐसा लगता है कि हाँ किसी ने, क्योंकि वो लेट कर देखती है ना कि इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी सॉफ्ट. सो वो सब देख रहे हैं कि मेरे बेड में कोई सोया था. लेकिन एकदम से बेबी बियर क्या बोलती है, somebody is sleeping in my bed, मेरे बेड पर तो कोई सो रहा है. ओके, somebody is sleeping in my bed, said baby bear in his tiny little voice. Curly locks woke up. अब curly locks एकदम से आवाज सुन के उठ जाती है. She saw the three bears. वो क्या देखती है उठ के एकदम से, कि bear family वापस आ गई है. And she saw the three bears. She jumped down. वो एकदम से बेड से नीचे जंप करती है. ठीक है, क्योंकि वो अब एकदम से डर गई है. वो तो सो गई थी खाना खा के, अब उसको बियर फैमिली, इतनी बड़ा बियर भी है, वो दिख जाता है तो वो डर जाती है. सो सी सॉ द थ्री बियर्स. शी जंप्ड डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड. ओके, तो ऐसा देखकर वो एकदम से कॉटेज से भाग जाती है, जितना भी वो जल्दी से भाग सकती थी, जितना भी एज फास्ट एज शी कुड, वो जितना तेजी से भाग सकती थी उतनी तेजी से भागकर वो कॉटेज से चली जाती है. ओके, सो दिस इज द स्टोरी दैट वन गर्ल इज देयर, एक लड़की है, कर्ली लॉक्स. वो जंगल में एक कॉटेज देखती है जहां पर पापा बियर, मामा बियर एंड किड बियर रहते हैं. दे वेंट आउट फॉर वॉक, वो बाहर वॉक के लिए गए हैं. उनके पीछे से गर्ल एंट्री करती है, गर्ल आ जाती है उनके घर में. एंड सी सो दैट थ्री बाउल्स वर देयर ऑफ डिफरेंट साइजेस, थ्री बाउल्स हैं. वो सबके खाने को टेस्ट करती है. बट शी फाउंड द जो बेबी बियर का खाना है वो बिल्कुल ठीक है. इट वॉज नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, ना तो वो बहुत ज्यादा गर्म है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा है. तो इसलिए वो उस पूरे खाने को फिनिश कर देती है. ओके, आफ्टर दैट शी went to the bedroom also. वहां पे she found three different sizes beds. उसको three different sizes के bed दिखते हैं. Okay, one is too big, which is very which was very hard, and the middle size bed is very soft, and the last one जो है kid bear का जो bed होता है वो it was just right, वो बिल्कुल ठीक होता है. Okay, so वो वहां पर सो जाती है. When the bear family came back from the walk, वो वापस आते हैं. They found that someone has ate the porridge from the bowls. And वो दोनों बातें करते हैं कि हमारा किसी ने खा लिया, मेरा खाना भी किसी ने खा लिया. And the little bear जो है tiny bear, she said that कि मेरा तो किसी ने, someone has finished all my porridge, वो मेरा खाना तो किसी ने पूरा ही खा लिया है. After that they went to the bedroom and found that someone is sleeping in the bed, कोई बेड में सो रहा है. उनकी आवाज सुन के जो कर्ली लॉक्स है वॉक अप, वो उठ जाती है एंड वो सरप्राइज हो जाती है उनको देख के, डर जाती है. एंड शी रैन अवे फ्रॉम द कॉटेज टू हर हाउस, और अपने घर की तरफ भाग जाती है. ओके, सो दिस इज द स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी और बहुत ही सिंपल है ये. नाउ सी द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो. ठीक है, इससे आपको जो चैप्टर है यू विल फाइंड find easy, आप उसको समझने में आपको वो easy लगेगा. So first is curly, curly, its meaning is curved or spiral shaped,
ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर से ज्यादा इजीली समझ पाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐसे कर्ली हेयर्स हैं इस लड़की के, जिसको हम बोलते हैं घुंघराला या फिर छल्लेदार। ओके, कर्ली कर्ड और स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसे जो हेयर्स होते हैं उनको हम कर्ली बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉटेज। ओके, वो कॉटेज में रहते थे, बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। इट इज स्मॉल हाउस, एक छोटा घर और ए हट। ओके, वी कैन से ए स्मॉल हाउस, एक छोटा घर और एक हट, कुटिया या फिर झोपड़ी। इन हिंदी वी कैन से कुटिया और फिर झोपड़ी। ओके, सी द स्पेलिंग ऑल्सो, COTTAGE, कॉटेज, स्मॉल हाउस और ए हट। ओके, थर्ड वर्ड इज बाउल। ओके, बाउल, बाउल आप पिक्चर में देख रहे होंगे, एक राउंडेड शेप का जो ऐसे बर्तन होता है घर में, जिसमें हम कुछ खाना खाते हैं, यूज करते हैं उसको खाने के लिए, उसको हम बोलते हैं बाउल। और ये क्या, राउंडेड कंटेनर, कोई भी ऐसी, कोई ऐसा बर्तन जिसमें हम खाना खा रहे हैं और वो राउंडेड है, ऐसे होगा, राउंडेड इस शेप का होगा, उसको हम बाउल, साइज कोई भी हो सकता है, बट इट शुड हैव दिस शेप, उसकी ऐसी शेप होती है, सो उसको हम बोलते हैं बाउल, BOWL। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ वर्ड पोरिज, PORDGE, पोरिज, काइंड ऑफ फूड, एक तरीके का ये खाना है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में दलिया भी बोलते हैं, सो काइंड ऑफ फूड पोरिज, PORIDGE, पोरिज। आपको स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है साइमल्टेनियसली, आपको साथ साथ में प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग दोनों चीजें देखनी है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हंगरी, HUNGRY, है ना, वी हैव यूज्ड द सेंटेंस, और देयर वाज वन सेंटेंस इन द स्टोरी दैट द जो कर्ली लॉक वाज हंगरी, वो भूखी होती है, ठीक है, वो भूखी थी, सो हंगरी, इट्स मीनिंग इज फीलिंग टू ईट, है ना, भूख, जब आप ऐसा फील करते हैं कि अभी मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप खाना चाहते हैं, सो फीलिंग टू ईट, सो इट्स मीनिंग इज हंगरी, HUNGRY। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कर्ली, CURLY, कर्ली, कर्व्ड और स्पाइरल शेप, घुंघराला या फिर छल्लेदार। सेकेंड वर्ड इज कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज, इट्स मीनिंग इज स्मॉल हाउस और ए हट, छोटा घर और एक झोपड़ी को भी हम कॉटेज बोलते हैं। थर्ड वर्ड इज बाउल, BOWL, इट्स मीनिंग इज राउंडेड कंटेनर। ओके, राउंडेड कंटेनर। फोर्थ वर्ड इज पोरिज, PORIDGE, इट्स मीनिंग इज काइंड ऑफ फूड। ओके, दलिया। फिफ्थ वर्ड इज हंगरी, फीलिंग टू ईट। ओके, जब हम खाना खाने का फील हो, फीलिंग हो, हम खाना खाना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी कैन से दैट आई एम हंगरी, मैं भूखा हूं। ओके, सो ऑल ऑफ यू, यू प्लीज रीड दिस स्टोरी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टोरी। आप इसको पहले स्टोरी को पढ़िए, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए विद द न्यू वर्ड्स दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। ओके, सो इफ यू फाइंड एनी डाउट और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टिल देन प्लीज रीड दिस अगेन एंड अगेन एंड प्लीज वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी। Okay, till then, be safe and happy learning. Thank you.